क्या आप चाहते हैं कि आपका वीडियो का जो पीछे वाला है वो ब्लर दिखे? जो मोबाइल से आप वीडियो बनाएंगे वो ब्लर दिखेगा, उसका कोई कैमरा नहीं होता है, लेकिन हाँ आप अपने कैमरा रियल कैमरा से वीडियो बना लेते हो ना, तो काइन मास्टर से जाके आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। काइन मास्टर से नहीं आता है करने तो मैं प्रॉपर सिखाता हूँ, आप सीख लीजिए और आराम से ब्लर करते रहिएगा। एकदम DSLR जैसा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो अपने मर्जी से, जितना मन उतना। देखिए ये काइन मास्टर है, हम काइन मास्टर में आ गए, आपके मन में नहीं है तो कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रॉपर तरीका से हम सिखा देंगे। देख सकते हैं मैंने एक ये वीडियो लिया था, ठीक है, आप भी कोई वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा रील है, ये मैं रील ले चुका हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं पता है, अब जो रील लीजिएगा उसी रील को दोबारा लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस रील को ले लिया हूँ ना, अब ये एक काम कर लेता हूँ तो हमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस लेयर है ना, इस लेयर पर प्रेस करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, यहाँ से ब्लर वाला इफेक्ट है वो शुरू वाला है, इसको लेंगे, इसको ले लिए ना, अब इसको पूरा में हम फैला देंगे, ठीक है, इसको पूरा में ऐसे करके फैला देंगे। अब ये देखिए अब ये ब्लर हो चुका है, अब क्या करना है फिर से यहाँ प्रेस करना है, फिर से प्रेस करके सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद अब आप पर निर्भर करते हैं आप इसको बैकग्राउंड कितना रिमूव करना चाहते हैं, ये टेंशन नहीं लीजिए, आपका वीडियो शुरू हो जाएगा, आप जितना मन उतना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेगा मेरा तो फोटो ही ब्लर हो गया, तो टेंशन काहे लेते हैं, फोटो ऊपर आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। देखिए ऐसे करके आप पूरा में इसको भर दीजिए, ठीक है, इसको पूरा भर दीजिए, और देखिए ये इसको पूरा भर दिए ना। अब लेयर पे जाना है और फिर से मीडिया पे जाना है, उसका जो आप वीडियो लिए हैं उसको फिर से वीडियो को लेना है, ठीक है। देखिए मैं फिर से उस वीडियो को ले लेता हूँ, देखिए मेरा वो फिर से वीडियो हो गया, तो इसको अच्छा से फिट कर लेते हैं जितना पर वो वीडियो था अच्छा से, और देखिए हो गया, और इसको पूरा हम भर देते हैं ऐसे करके, ऐसे किए ऐसे, और ये प्रॉपर तरीका से हो गया। अब क्या करना है, अब आता है असली बात, ठीक है। अब यहाँ से नहीं, वीडियो का बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, यानी देखिए पहलुक का वाला वीडियो का बैकग्राउंड है ना, अब ऊपर से लिए है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हुआ तो पीछे खाली ब्लर है तो ब्लर दिखेगा ना। देखिए यहाँ मैजिक रिमूवर का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप ऑन कर दीजिए। देखिए मैं ऑन कर दिया हूँ, ऑन कर देने के बाद आपको मात्र एक दो मिनट लगता है, एक दो मिनट में ये ब्लर कर दे, यानी पूरा जैसे ही भरेगा ना उसके बाद ये हो जाएगा। तो जब तक ये भरता है तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप उतना नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं वीडियो को अभी रुकता हूँ, जब खत्म होता है फिर स्टार्ट करता हूँ। आप जो भी है वो पूरा मेरा भर चुका है, ठीक है, और भरने के बाद देख सकते हैं कि जो यहाँ है जो ब्लर वाला सेटिंग है, यहाँ पर जाके हम सेटिंग में प्रेस करते हैं तो जितना मन उतना पीछे का हम बैकग्राउंड ब्लर कर पाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल मैं इतना 3 पे रखता हूँ, ठीक है, 3 पे मेरे को अच्छा लगता है तो मैं 3 पे रख लिया हूँ। उसके बाद आपको देख के मैं चला के भी बता सकता हूँ, मुझे पीछे का वीडियो ब्लर हो चुका है और ये मेरा वीडियो है, ठीक है। तो देख पा रहे हो कितना अच्छा से मेरा ब्लर हो गया है, और वो भी काइन मास्टर से हमने करके दिखा दिया है आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।